एडिशन एंड आज मैं आपको 15 बिगेस्ट डिफरेंसेस बताऊंगा बिटवीन माइनक्राफ्ट जावा एडिशन एंड माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन, क्योंकि लोगों सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा वर्जन बेटर है, कौन सा खेलना चाहिए हमें। तो आज की इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बात करूंगा गेम प्ले डिफरेंसेस की, कौन सा वर्जन स्मूथ होता है, मॉडिंग किसमें बेटर होती है एंड और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये। अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। जो सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जावा कोडिंग लैंग्वेज में बना है और माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन एक्चुअली C++ कोडिंग लैंग्वेज में बना है। जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ते होंगे वो ये बात आसानी से समझ जाएंगे। बेसिकली ओरिजिनल माइनक्राफ्ट जो था ना वो जावा में बनाता है, उसे ही जावा एडिशन कहते हैं। और उसमें लिमिटेशन ये है कि वो सभी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जो बेडरॉक एडिशन है उसे बनाया गया C++ कोडिंग लैंग्वेज का यूज करके, जो कि एक्चुअली बेडरॉक इंजन में बना है एंड उसका पोर्ट काफी सारे प्लेटफॉर्म्स से अवेलेबल है। अब इसी का एक फायदा ये हुआ कि बेडरॉक एडिशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल जाता है, जैसे कि मोबाइल पे वो पॉकेट एडिशन के नाम से बिकता है, पीसी पे वो विंडोज 10 एडिशन के नाम से, फिर प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो स्विच पे तो है ही, साथ ही अमेज़न फायर टीवी और सैमसंग गैलेक्सी VR पे भी है। जावा एडिशन में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ पीसी, मैक और लिनक्स पे ही चलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैक और लिनक्स पे बेडरॉक एडिशन नहीं चल पाता, इसलिए उसमें तो जावा ही खेलना पड़ेगा। और बात करूं टी लॉन्चर की तो वो भी जावा एडिशन ही होता है। माइनक्राफ्ट में वैसे बहुत सारे मोड्स होते हैं जिसमें से दो सबसे कॉमन है सर्वाइवल मोड और क्रिएटिव मोड, और ये दोनों ही जावा एंड बेडरॉक एडिशन में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक एडवेंचर मोड भी होता है जो स्पेसिफिकली बिल्ड करने के लिए है और उसमें कोई आकर अभी क्रिएशन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन बेडरॉक एडिशन में एक कमी है कि हमें हार्डकोर मोड और स्पेक्टेटर मोड नहीं मिलता। हार्डकोर मोड तो आपको पता ही होगा कि ये सर्वाइवल मोड ही है लेकिन अपनी हार्डेस्ट डिफिकल्टी पे, जिसमें सिर्फ एक लाइफ होती है। और स्पेक्टेटर मोड में आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो ब्लॉक्स के बीच जाकर एंड हवा में उड़ते हुए। लेकिन बेडरॉक एडिशन की एक खासियत है कि ये स्मूथ चलता है, मतलब अगर आपका डिवाइस इतना अच्छा नहीं है या फिर आपके पास मीडियम स्पेक्स वाला डिवाइस है तो बेडरॉक बेटर रहेगा। उधर जावा का तो ये सीन है कि यार अच्छे से अच्छे कंप्यूटर में भी कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि उसमें FPS ड्रॉप्स होते रहते हैं। बेसिकली दोनों गेम्स डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बने हैं, इसलिए डिफरेंसेस हैं परफॉर्मेंस में। वैसे जावा के ग्राफिक्स थोड़े से बेटर हैं पर उसमें लैग एक्सपीरियंस हो सकता है। उधर बेडरॉक की मैं बात करूं तो उसमें आपको कंसिस्टेंट स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और जब से उसमें RTX का अपडेट आया है तब से तो उसके ग्राफिक्स और भी ज्यादा बढ़िया हो गए हैं। मॉडिंग के मामले में जावा एडिशन जीत जाता है क्योंकि उसकी कम्युनिटी बहुत बढ़िया है। जावा एडिशन में आप ढेरों मॉड्स इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक टेक्सचर पैक्स, शेडर्स, मैप्स, यूटिलिटी मॉड्स, और अगर आप मेरी तरह क्रेजी हो तो 50 मॉड्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। पर बेडरॉक एडिशन के लिए सिंपली मैं यही कहूंगा कि वो मॉडिंग के लिए नहीं बना। हाँ, उसके मार्केट प्लेस में कुछ पेड टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप थोड़ा बहुत माइनक्राफ्ट अप्रूव्ड मॉड्स इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है यार क्योंकि जावा में मॉडिंग फ्री है, ऊपर से कई गुना ज्यादा मॉड्स अवेलेबल है एज कम्पेयर टू द बेडरॉक। आप सिंगल प्लेयर सर्वाइवल में घंटों बिता सकते हो गेम खेलते हुए, लेकिन उसका वर्ल्ड इतना बड़ा है और कोई साथ में स्टोरी करेक्टर भी नहीं है तो बहुत लोनली हो जाता है। इसलिए माइनक्राफ्ट का असली मजा है मल्टीप्लेयर खेलने में, एंड ये बात तो आप भी मानते ही होंगे। अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना। खैर, तो बेसिकली आप बेडरॉक और जावा एडिशन में एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो दोनों डिफरेंट लैंग्वेज पे बने हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा कि बेडरॉक क्रॉस प्ले या मल्टीप्लेयर में बेटर है क्योंकि वो ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, लाइक PC, मोबाइल, कंसोल्स, निंटेंडो स्विच एंड इवन स्मार्ट TVs। उधर जावा सिर्फ PC, मैक और लिनक्स में चलता है जिससे मल्टीप्लेयर के ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन जावा बेटर है वर्ल्ड जनरेशन ऑप्शंस में क्योंकि जब आप वर्ल्ड जनरेट करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि सुपर फ्लैट वर्ल्ड बनाना है या रेगुलर बनाना है। अब कुछ ऑप्शन ना सिर्फ जावा में ही अवेलेबल है, लाइक एक होता है एम्पलीफाइड वर्ल्ड टाइप जिसमें वर्ल्ड का टेरेन वर्ल्ड की हाइट लिमिट तक जा सकता है, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे टेरेन्स बन जाते हैं। और लार्ज बायोम टाइप में एक पर्टिकुलर बायोम चूज कर सकते हो और वही आएगा पूरे गेम में। इतने सारे ऑप्शंस बेडरॉक में अवेलेबल नहीं है। जो भी माइनक्राफ्ट बहुत पहले से खेलता आ रहा है वो जानता होगा कि 1.9 में जावा एडिशन का कॉम्बैट हमेशा के लिए चेंज हो गया था, जिसमें आप जब मॉन्स्टर्स या प्लेयर्स से लड़ते थे तो वेपन कूल डाउन आ गया था, जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन बेडरॉक का कॉम्बैट अभी भी सिंपल और पुराने वाला ही है जो ज्यादातर प्लेयर्स को पसंद आता है। जावा एडिशन में कस्टमाइजेशन के लिए ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल है, मैंने आपको मॉड्स का तो बता ही दिया, लेकिन अगर मैं करेक्टर स्किन्स की बात करूं तो उसमें भी जावा बेटर निकल के आता है, सिंपली बिकॉज उसमें लिमिटलेस ऑप्शंस है। आप चाहो तो अपनी खुद की कस्टम स्किन्स डिजाइन करके गेम में डाल सकते हो जैसे बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं, नहीं तो इंटरनेट पे आपको ढेरों स्किन्स मिल जाएंगे जो लोगों ने फ्री में अवेलेबल कर रखी है, कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे। उधर बेडरॉक में स्किन्स हैं बट बहुत लिमिटेड हैं और वो आपको मार्केट प्लेस से खरीदनी पड़ेंगी। अब जो नेक्स्ट अच्छा फीचर है बेडरॉक का वो जरूरी नहीं सबको पसंद आए। बेसिकली माइनक्राफ्ट को खेलने वाले ज्यादातर लोग यंग ही होते हैं, पर मल्टीप्लेयर में जो सर्वर्स होते हैं उससे तो यंग और एडल्ट सभी खेल रहे हैं, एंड फिर बहुत से मॉड्स भी ऐसे होते हैं जो शायद इनअप्रोप्रिएट हो। तो जावा एडिशन में पेरेंटल कंट्रोल्स का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बेडरॉक